अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो स्कॉलरशिप अलर्ट्स आपकी खिदमत में पेश करता है। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर PhD एंड GST एस्पायरेंट्स। बिफोर डिस्क्लोजिंग दिस अपॉर्चुनिटी प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। तो हम स्कॉलरशिप अलर्ट के बिहाफ से मैं BBA फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ सखर IB यूनिवर्सिटी आपको इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से गाइड करूंगा। जैसे कि सखर IB यूनिवर्सिटी ने STS के हिसाब से फराहम की है, उस आउटलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है जो कि मैथमेटिक्स के हवाले से है, जिसमें हम 6th, 7th, and 8th क्लास की मैथ के मेन चैप्टर्स जो हैं वो हमारे वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए हम जो है डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन हम जो है यहाँ पर 6th क्लास की मैथमेटिक्स, 7th क्लास की मैथमेटिक्स एंड 8th क्लास की मैथमेटिक्स आपकी सर्विस में लेके आए हैं। तो हमने जो है वो मैथमेटिक्स जो है ये क्लासेस 6th, 7th, and 8th की जो सिंटेक्स बुक बोर्ड के हिसाब से जो भी चैप्टर्स प्रोवाइड किए हैं उनमें से है। हम पहले बात करते हैं क्लास 6th के लिए कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं जो कि हमें मेन लगे हैं। जैसे कि आपको एक बात बताता चलूँ कि सखर IB यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स एंड STS के जो कंपोजर हैं वो क्या करते हैं कि जो मेनली फोकस करते हैं ना मैथमेटिक्स के हिसाब से, जैसे कि हमें 4 साल होने वाले हैं तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चनर्स उठाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल उठाते हैं। तो यहाँ पर वो कैसे कॉन्सेप्चुअल उठाएंगे वो मैं आपको हर क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनमें से जो उनकी थ्योरीज हैं उसके एग्जांपल्स हैं वो डिस्क्राइब करता चलूँगा और आपको बताता चलूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड होल नंबर्स जो हैं वो थ्योरेटिकल बेस है, इंडिविजुअल आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ मैंने यहाँ पर फोकस किया है वो चैप्टर नंबर 3 जो कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हैं, चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 जो हैं वो सिंप्लीफिकेशंस हैं, 6th नंबर जो रेशोज एंड प्रोपोर्शंस हैं, 7th नंबर फिनंशियल अर्थमेटिक एंड 8th नंबर इंट्रोडक्शन टू अलजबरा है एंड 9th नंबर लीनियर इक्वेशंस। जैसे कि 10th नंबर जो है ज्योमेट्री है वो आप खुद ब खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेसिस है, और 11th नंबर है पेरीमीटर एंड एरिया जो कि इनके हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इनकी थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा कि कैसे MCQs आ सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है विद इन अ मिनट। तो फॉर क्लास 7th जो हमने चैप्टर सेलेक्ट किए हैं वो हैं जो 1st एंड 2nd, जो 3rd हैं वो थ्योरेटिकल बेसिस है, खुद ब खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 4 हैं एक्सपोनेंट्स और 5th नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स। चैप्टर नंबर 6 भी इंक्लूड है जो डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशंस हैं। चैप्टर नंबर 7 जो फिनंशियल अर्थमेटिक है, 8th अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो कि 6th में नहीं था, और 9th लीनियर इक्वेशंस हैं एंड 10th 11th जो हैं ये ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, वो थ्योरेटिकल बेसिस होंगे, खुद भी पढ़ सकते हैं आप। और चैप्टर नंबर 12 जो है वो है कंफेरेंसेस एरिया एंड वॉल्यूम, और जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और वो जो हैं वो थ्योरेटिकल है, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर्स कौन कौन से कवर किए हैं 7th में, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th। फॉर क्लास 8th वी हैव कवर्ड एंड चूजन द चैप्टर नंबर 1 दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट, क्योंकि हमने 6th एंड 7th में सेट के बारे में नहीं पढ़ा, डिस्कस नहीं किया, तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 जो ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 एंड 3 जो हैं वो नंबर्स बेसिस हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं इंडिविजुअली। और जो चैप्टर नंबर 4 है फिनंशियल अर्थमेटिक्स, क्योंकि वो हमने 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, लेकिन 8th में थोड़ा एडवांस होगा तो उन हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। और पोलीनोमियल्स जो हैं वो भी होंगे चैप्टर नंबर 5th में, और पोलीनोमियल्स के अलावा चैप्टर नंबर 6 है फैक्टराइजेशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने डिफरेंट वीडियोज से। चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री हैं, तो ज्योमेट्री के हम स्किप करते हैं, तो चैप्टर नंबर 9 पर आते हैं। और चैप्टर नंबर 10, 9 जो है एरियाज एंड वॉल्यूम्स वो हमने
सेवेंथ क्लास में डिस्कस किए हैं, और जो है इलेवेंथ ट्रिग्नोमेट्री है जो कि कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो हम डिस्कस करेंगे। इनकी जो अलग-अलग हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको और आसानी से आप समझ सकेंगे। आई होप कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। कि एक बात मैं आपको बताता हूँ, एसटीएस के जो मैनेजमेंट है या जो क्वेश्चंस निकालने वाले हैं वो मोस्टली थ्योरी एंड एग्जांपल्स से क्वेश्चंस निकालेंगे मैथमेटिक्स के। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड आपका जो सब लॉजिकली पढ़ा हुआ होगा तो आप आसानी से विद इन 30 सेकेंड्स आप जो है ना टेस्ट कर सकते हैं। इस हर चैप्टर्स की वीडियोज़ में हम मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।